छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन निकल के 2-10 लोगों को लेकर रास्ते में उतर के जो कर रहे हैं, मैं इसको कंडेम करते हुए मैं इन लोगों के खिलाफ भी सरकार को गुजारिश करूंगा कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन निकल के 2-10 लोगों को लेकर रास्ते में उतर के जो कर रहे हैं, मैं इसको कंडेम करते हुए मैं इन लोगों के खिलाफ भी सरकार को गुजारिश करूंगा कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और अभी तक कोई भी धर्म के धर्म गुरु, जितने भी जिम्मेदारान हैं, कोई भी रास्तों में उतरकर, सड़कों पे उतरकर कोई एहतजाज उस तरीके से नहीं किए हैं अभी तक। अब जिन लोग कर रहे हैं उन लोगों के बारे में भी मेरा एक मैसेज है, पैगाम है। तो मैं पहला डिमांड ये रखूंगा कि आज नुपुर शर्मा के तरह और भी बहुत सारे लोग ऐसे गलत चीज कर रहे हैं, कल अगर और कोई आदमी निकल के ऐसा चीज को रिपीट करे दोबारा, या हमारे मुस्लिम दूसरे धर्म के देव देवियों के खिलाफ ऐसे अल्फाज, गंदी अल्फाज का इस्तेमाल करे, तो लिहाजा एक कानून बनाया जाए हमारे देश पे। भारत हर चीज में हम देखते हैं कि बहुत बार बहुत सारे मसले पर, मुद्दों पर कानून बनाया जाता है। तो मैं आप तमाम मीडिया के जरिए एक डिमांड करता हूं कि आइए हमारे मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर से और तमाम मुख्तलिफ, तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल से मैं ये डिमांड करता हूं कि हमारे देश में ऐसा कानून लागू करे, ऐसा सिस्टम लाया जाए कि कोई भी इंसान किसी भी मजहब के खिलाफ किसी भी गंदी अल्फाज का इस्तेमाल करे जिसमें हमारा रिस्पेक्ट और हमारा इज्जत को ठोट ठोट पहुंचे, ऐसा चीज ना हो, और अगर कोई करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ एंटी नेशनलिस्ट कानून लगाया जाए। क्योंकि ये पत्थर नहीं मारे, किसी को पत्थर नहीं मारे, तो ये हिस्ट्री है, ये हदीस है, ये के लिए सर कटा सकते हैं मगर किसी का सर नबी के नाम में काट नहीं सकते। यही इस्लाम है और यही मजहब है। और इस वजह से मैं ये डिमांड करता हूं कि ये काम जो कर रहे हैं कोई भी जिम्मेदारान ये नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन निकल के 2-10 लोगों को लेकर रास्ते में उतर के जो कर रहे हैं, मैं इसको कंडेम करते हुए मैं इन लोगों के खिलाफ भी सरकार को गुजारिश करूंगा। और हमारा डिमांड यह है कि ये जो काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऐसा काम ना करें। अभी अभी आपने कहा कि मैं उन तमाम छोटे छोटे एनजीओज या जो भी ट्रस्टीज हो रहे हैं जो सड़क पे उतर करके एहतजाज कर रहे हैं, मैं उसका भी कंडम करता हूँ। तो क्या पिछले दिनों जो जुमा के रोज जो देखा गया है कि किसी एक फाउंडेशन के जानिब से जो प्रोटेस्ट किया गया, काफी तादाद में लोग सड़क पर उतरे, तो क्या ये सही नहीं था? देखिए, आप किसी का नाम लेके पूछ रहे हमसे किसी का नाम लेके आप हमसे सवाल नहीं कर पूछ रहे ना, तो मैं किसी का नाम लेकर जवाब क्यों दूँ? आपका जब सवाल किसी का नाम लेकर नहीं है तो मैं जवाब आपको क्यों किसी का नाम से दूं? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि हम सब ये चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गंदा अल्फाज इस्तेमाल किया गया है कि इसके खिलाफ ज़ोरदार तरीके से प्रोटेस्ट हो, और प्रोटेस्ट होनी भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मगर मेरा कहना सिर्फ ये है कि अल्लाह के रसूल अपने ज़िंदगी में एक पत्थर खाए हैं मगर किसी को पत्थर नहीं मारे। तो हम भी जितने उम्मत रसूल हैं, हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम नबी के नाम में सर कटा सकते हैं मगर किसी का सर काट नहीं सकते, ये मेरा कहना है। तो मेरी बात को गलत तरीके से ना लिया जाए, और मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो लोग ये कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो मुसलमान ही है। रोड में कोई भी टोपी पहन के, कुर्ता पैजामा पहन के अगर उतर जाएंगे हाथ में बमबारी लेकर, बम पिस्तौल वगैरह, पत्थर ईटा लेकर, ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान है। अगर कोई दूसरे कौम के आदमी एक तिलक और एक गेरुआ कपड़ा पहन के उतर जाए किसी भी धर्म का, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदू गुरु है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे कारी साहब ने जो कहा है कि इसके खिलाफ CID को काम करना ज़रूरी है, इंटेलेक्चुअल्स को काम करना ज़रूरी है कि एक्चुअली हु आर दे, वो उन लोग है कौन, ये देखना ज़रूरी है। और जो भी अगर मुसलमान मिसगाइडेड होकर कुछ काम कर रहे हैं जो नबी के सुन्नत के ख़िलाफ़ है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने आलम दीन से पूछे कि नबी के ख़िलाफ़ अगर बात की जाए तो हम प्रोटेस्ट किस तरीके से करें। हम तो ये चाहते हैं कि 2000 लोग रास्ते में उतर कर पत्थरबाजी ना करके 20,000 लोग रोड में सो के रहें कि हमारे नबी के खिलाफ बात किया गया है। जब तक इस नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ही नहीं की जाएगी, हम रोड से नहीं उठेंगे, ये होनी चाहिए प्रोटेस्ट। मगर 2000 लोग रोड पर जाके पत्थरबाजी करके आम इंसान को तकलीफ देना, ये इस्लाम नहीं है।